good morning students students in the last video we had discussed about types of cellular respiration नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रेस्पिरीशन इन एनिमल्स स्टूडेंट आपको पता है कि रेस्पिरीशन एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म की बॉडी का डाइजेस्टिड फूड ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज्ड होकर वो क्या रिलीज करता है एनर्जी रिलीज करता है अगर हम एनिमल्स के केस में रेस्पिरीशन की प्रोसेस कैसे होती है इसकी बात करें तो देअ आर वेराइटी ऑफ एनिमल्स देयर आर वेराइटी ऑफ एनिमल्स ईच एनिमल इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्मीज एनर्जी इफ यू टॉक अबाउट यूनि सेल्युलर ऑर्गेनिज्म अगर हम यूनि सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आपको पता है इन ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो वन सेल से बनी होती है और यही वन सेल बॉडी के सारी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है यूनी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा पैरामीशियम ये सभी ऑर्गेनिज्म पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं इन ऑर्गेनिज्म में अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन से पहले इन ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये अपने जर्नल बॉडी सरफेस, जर्नल बॉडी सरफेस का मतलब सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किस टाइप के ऑर्गेनिज्म की यूनि सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में होती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन की प्रोसेस से ऑक्सीजन इन और ऑक्सीजन इन होने के बाद उस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से डिफ्यूजन की बॉडी डिफ्यूजन की प्रोसेस से आउटसाइड द बॉडी रिलीज हो जाती है तो अगर हम बात करें रेस्पिरेशन इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कौन सा बॉडी पार्ट रिस्पॉन्सिबल है केवल सेल मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल क्लियर दिस पॉइंट जब हम बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की एक्वेटिक एनिमल्स सचेज फिशेज प्रॉन्स क्रैप्स बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती हैं वो गिल्स की मदद से होती हैं स्टूडेंट्स ऐसे बहुत से एकटिक एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में गिल्स की जगह लंग्स भी होती हैं वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे लेकिन अगर हम जनरली कुछ एक्टिक एनिमल्स की बात करें और ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं एकवेटिक उनकी बॉडी में गिल्स पाई जाती हैं गिल्स हमारे लंग्स की तरह एक ऑर्गेन होते हैं और गिल्स की ही मदद से जो भी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो अंदर एंटर कर जाती है बॉडी के और इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन डाइजेस्टेड फूड का ऑक्सीडेशन करता है ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है एनर्जी बॉडी एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आउट कर दी जाती है इट मींस कि एक्वेटिक एनिमल्स में कौन सा ऑर्गेन होता है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है गिल्स और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि गिल्स की मदद से अपने बॉडी में गैशियज एक्सचेंज करते हैं उसे हम कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन फर्स्ट केस में हमने यूनिसेल्यूलर की बात की यूनिसेल्यूलर की बॉडी में सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि गैसेस का एक्सचेंज करती है एक्विटिक एनिमल्स में ज्यादातर एक्विटिक एनिमल्स में गिल्स पाई जाती हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज करती हैं और गिल्स से होने वाले रेस्पिरेशन को हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं क्लियर दिस पॉइंट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें उन एनिमल्स की जो कि सेमी एक्वेटिक एनवायरनमेंट मतलब में रहते हैं सेमी एक्वेटिक एनवायरनमेंट का मतलब मॉइस्ट सॉयल में रहते हैं मॉइस्ट सर्फेसिस में रहते हैं पूरी तरह से वाटर में डूबे हुए नहीं रहते ऐसे एनिमल्स को हम सेमी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स कहते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अर्थफॉर्म लीचेज़ ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो सेमी एक्वेटिक एन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स के हैं इनकी जो बॉडी होती है वो मॉइस्ट होती है कि जो स्किन होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स मॉइस्ट होती है ये अपने मॉइस्ट स्किन की मदद से एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है उसे इन करते हैं और अंदर जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट होती है और CO2 का फॉर्मेशन होता है तो ये अपने मॉइस्ट स्किन से ही उसे आउट करते हैं तो ऐसा मोड ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें रेस्पिरेटरी organ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए क्या हो मॉइस्ट स्किन हो ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की प्रोसेस कौन से एनिमल्स परफॉर्म करते हैं वो एनिमल्स जो कि सेमी एक्वेटिक एनवायरमेंट पे रहते हैं और कौन से एनिमल है बेसिकली अर्थवर्म और लीचेस सेम ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं अब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की आपको पता है इंसेक्ट्स जो है वो ऑर्थोपोडा को बिलोंग करते हैं इंसेक्ट्स सच एज ग्रास कॉपर्स कॉक्रोचेज हाउस फ्लाई ये सारे इंसेक्ट्स की बॉडी में अगर आपको पता होगा क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है हेड होता है ट्रंक होता है और एबडोम होता है इनकी बॉडी के जो एब्डोमिनल रीजन जो होता है उसके लेटरल साइड में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं उन पोर्स को हम कहते हैं, हैं? हैं। ट्यूब्स का यानी बहुत सारे नेटवर्क ट्यूब्स का होता है और बाहर की तरफ ये की मदद से ट्यूब्स ओपन होती हैं उन ट्यूब्स के नेटवर्क को हम ट्रैकिया कहते हैं इंसेक्स की बॉडी में यह अरेंजमेंट पाया जाता है स्पायरिकल्स ट्रैकिया तो ट्रैकिया की मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने की प्रोसेस को हम ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं तो अगर इंसेक्ट्स का केस आपसे पूछा जाए तो इंसेक्ट्स कौन सा रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं ट्रेकिअल रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं क्लियर दिस पॉइंट स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ऐसे एनिमल्स की जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो लैंड पर सर्वाइव करते हैं और उनमें सभी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स आते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं ह्यूमन बींग्स हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स एनिमल है इनकी बॉडी में वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है लेकिन अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गेन की बात करें तो इस सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी होता है वो लंग्स होता है और लंग्स की मदद से एक्सचेंज जो होती है उसे हम पलोनरी रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं मैंने यहां नहीं किया है लेकिन आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एक्सचेंज Gases with the help of their lungs, such type of respiration is called pulmonary respiration. Clear this point? तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने किन किन रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा यूनी सेल्यूलर ऑर्गैनिजम्स के बारे में पढ़ा जो कि अपने सेल मेमब्रेन की ही मदद से गैशियज़ एक्सचेंज करते हैं कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा जो कि गिल्स की मदद से गैशियज़ एक्सचेंज करते हैं ऐसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम ब्रैंकिअल रेस्पिरेशन कहते हैं हम सेमी एक्वेटिक एनवायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स की जैसे अर्थफॉम और लीचेस की बात करते हैं तो वो अपने मॉइस्ट स्किन की मदद से एक्सचेंज करती हैं इसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं इंसेक्ट्स की मदद से होने वाला जो रेस्पिरेशन है वो ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहलाता है क्योंकि छोटी छोटी जो ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम ट्रैकिया कहते हैं उनकी मदद से गैशियज एक्सचेंज होता है और अगर हम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात करें इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स तो वो लंग्स की मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं और इसे हम पलमोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं क्लियर चलिए अब रेस्पिरेशन इन एमिबा को डिटेल में पढ़ते हैं एमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है स्टूडेंट आपको पता है कि एमिबा जो होता है वो एक्वेटिक मीडियम में पाया जाता है ये फ्रेश पॉन्ड वाटर में पाया जाता है और वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसी ऑक्सीजन अमीबा की बॉडी उसी ऑक्सीजन को लेती है होता क्या है इस प्रोसेस में मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है कि एमीबा की बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन वैसे भी परमिएबल होती है वो अलाउ कर सकती है आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इन एंड आउट होने को अगर आप जनरली देखिए तो जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है गैशियज एक्सचेंज के लिए डिफ्यूजन में जो चीज जिस साइड ज्यादा रहती है और जिस साइड कम रहती है तो डिफ्यूजन की प्रोसेस में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें मूव करती हैं अगर इस गैस की बात की जाए ऑक्सीजन गैस की तो पोंड वाटर में जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है जो कंसेंट्रेशन है वो हाई है और अगर कंपेयर करें अमीबा की बॉडी से ऑक्सीजन के कंसेंट्रेशन को तो हमें पता है कि अमीबा की बॉडी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में इस वाटर की तुलना में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है इट मींस कि अगर हम दोनों साइड में ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को देखें तो पानी यानी वाटर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है यहां पर डिफ्यूजन की प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगी बाहर से अंदर की तरफ इट मीन्स कि ऑक्सीजन गैस विल एंटर ऑक्सीजन गैस बॉडी के अंदर एंटर करेगा बाहर से कौन सी प्रोसेस से डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्योंकि डिफ्यूजन की प्रोसेस में कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट उसके हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ होता है अब बात करते हैं कि ये ऑक्सीजन जब अमीबा की बॉडी में आ जाती है तो अमीबा की बॉडी में जिस समय डाइजेशन की प्रोसेस से डाइजेस्टेड फूड इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था Gracias. <laughs> इस ऑक्सीजन की मदद से उसका ऑक्सीडेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है एनर्जी तो ये अपने बॉडी एक्टिविटीज के लिए यूज कर लेता है अब सीओटो के अमाउंट यानी कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें सीओटो का कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है कि अमीबा की बॉडी के अंदर ज्यादा होगा क्यों क्योंकि लगातार इसकी बॉडी ऑक्सीजन को डाइजेस्टेड uh, फूड को ऑक्सीडाइज करके सीओ टू बनाती जा रही है तो ये रेट बहुत हाई है तो CO2 बॉडी में ज्यादा है as compared to outside यानी वाटर में अगर CO2 के कंसंट्रेशन को देखा जाए तो इसकी बॉडी की तुलना में माना जाता है कि कंसंट्रेशन कम होता है तो हाई कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर और लो कंसंट्रेशन बॉडी के बाहर तो डिफ्यूजन की प्रोसेस जब कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा तो वो किधर से किधर की तरफ होगा इनसाइड टू आउटसाइड यानी अंदर से बाहर की तरफ CO2 क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी इस तरह से डिफ्यूजन की प्रोसेस परफॉर्म करके एमीबा की बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ऑक्सीजन हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ आता है और कार्बन डाइऑक्साइड हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ आता है क्लियर दिस पॉइंट स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन अर्थफोम की आपको अभी ही मैंने बताया था कि अर्थवॉम मॉइस्ट स्किन की मदद से गैशियज एक्सचेंज करता है अगर इस चीज़ को डिटेल में आप पढ़ेंगे तो अर्थवोम की जो बॉडी होती है आपको पता है कि अर्थवॉम की बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और उसकी सिलेंड्रिकल बॉडी में ऊपर की जो स्किन होती है वो स्किन मॉइस्ट होती है मॉइस्ट का क्या मीनिंग है क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करती है आर्थवम की बॉडी क्या रिलीज करती है एक स्लाइमी एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करती है जिसकी वजह से इसकी जो स्किन होती है बहुत स्लीपरी और मॉइस्ट हो जाती है इसकी स्किन के ही तुरंत नीचे ब्लड कैपलरीज पाई जाती हैं जिनमें ब्लड भरी होती है होता क्या है कि पहले एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होती है वो इसकी मॉइस्ट स्किन में जाकर डिजोल्व हो जाती है जब मॉइस्ट स्किन में जाकर डिजोल्व हो जाती है तो मॉइस्ट स्किन में जो ब्लड कैपलरीज होती हैं इस ऑक्सीजन को वो एक्सेप्ट कर लेती हैं यानी ये ऑक्सीजन ब्लड कैपलरीज में डिफ्यूज़ हो जाता है और डिफ्यूज होने के बाद ये ऑक्सीजन ब्लड से पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुँचाया जाता है जब लगातार ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी तक पहुंचाया जाता है तो वो ऑक्सीजन बॉडी सेल्स में फूड कर, क्या करती है? करती हैं? हैं ऑक्सीडेशन और एनर्जी रिलीज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं। जब बॉडी सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले ब्लड में डिफ्यूज होती है ब्लड में डिफ्यूज होने के बाद फिर वो स्किन में आकर जो है मिल जाती है तो इस तरीके से ऑक्सीजन जो है मॉइस्ट स्किन से होकर एंटर की और कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्ट स्किन की ही मदद से आउटसाइड बॉडी के आता है इस तरीके से अर्थवम की बॉडी में भी रेस्पिरेशन होता है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन एनिमल्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन फिशेज में फिशेज़ की बॉडी में जो रेस्पिरेशन होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा अगर आप फिश की बॉडी को देखेंगे तो फिश की बॉडी में आपको माउथ माउथ के आगे हेड रीजन में ही आपको स्लॉट्स दिखाई देंगे इन स्लॉट्स को हम गिल स्लिट्स कहते हैं गिल स्लिट्स जो होती हैं वो ओपनिंग्स होती हैं जिनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं होता क्या है कि फिशेस जब वाटर में रहती हैं तो वाटर की डिज़ोल्ड ऑक्सीजन को ही वो लेती हैं लेकिन उस डिज़ोल्ड ऑक्सीजन को कैसे वो लेती हैं सबसे पहले माउथ जब वो लगातार फिशेस अपना माउथ ओपन क्लोज ओपन क्लोज करती रहती हैं उस माउथ से वाटर इनके माउथ से एंटर करता है वाटर जब माउथ से एंटर करता है तो वो वाटर करेंट कहाँ तक पहुँचता है गिल्स तक पहुँचता है उस वाटर में जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है गिल्स की में गिल्स भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जो कि सेल से बना है गिल्स में भी ब्लड की कैपलरीज होती हैं और वहीं पर ये ऑक्सीजन जब गिल्स तक पहुंचता है तो ये ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड से ऑक्सीजन पूरे बॉडी सेल्स तक पहुँचाया जाता है पूरी बॉडी सेल्स में डाइजेस्टेड फूड का ऑक्सीडेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है अब वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर कैसे आएगा जैसे ही वो ब्लड तक कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है ब्लड कैपिलरीज गिल के पास होती हैं और वो वाटर में जो गिल्स के पास लगातार पानी जा रहा है वो गिल्स के ही साइड में सी को क्या करता है वाटर में रिलीज़ कर देता है फिर से इसको क्लियरली समझिए माउथ से वाटर एंटर करता है वाटर में क्या प्रेजेंट होता है डिजोल्ड ऑक्सीजन वाटर करंट माउथ से जाने के बाद बॉडी में जब अंदर गिल्स के पास पहुंचता है तो उस वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वो गिल्स तक पहुंच जाती है यानी गिल्स की जो ब्लड कैपलेरीज हैं वो उसे ले लेती हैं लेकर उस पूरी ऑक्सीजन को बॉडी सेल्स तक पहुँचाती हैं ऑक्सीजन का जो काम होता है यानी डाइजेस्टेड फूड को ऑक्सीडाइज करके सीओ बनाना एनर्जी बनाना वो बॉडी सेल्स बनाती हैं बॉडी सेल्स से ब्लड में आती है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से वो कहां पर आती है वाटर के अंदर आती है कौन से वाटर में कहां पर वाटर के अंदर आती है जहां पर गिल्स पाई जाती है वहां जब पानी आता है माउथ से पहुंचता है तो CO2 उसमें फिर से घुल जाती है और वो वाटर कहां से आउटसाइड निकलती है स्लेट से निकलती है गिल्सलिट से जो वाटर बाहर निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और माउथ से जो वाटर एंटर करती है उसमें ऑक्सीजन होता है क्लियर दिस पॉइंट इसको फिर से समझिए जो वाटर माउथ से एंटर करती है उसमें ओ टू होती है और जो वाटर गिल स्लिट से आउट होती है उसमें क्या पाई जाती है सी ओ टू पाई जाती है क्लियर दिस पॉइंट स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे क्लियर थैंक यू स्टूडेंट्स